हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मंचूरियन। मंचूरियन बनाने के लिए हमने लिए है कोबीज, कैरेट, ओनियन, कैप्सिकम, ग्रीन चिली, ग्रीन ओनियन लिए है हमने। और ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिए है कोबीज, कैप्सिकम, ग्रीन चिली, ग्रीन ओनियन, कैरेट, जिंजर और ग्रीन गार्लिक। सभी को हम चॉप्ड कर देंगे। अच्छे से चॉप्ड करने के बाद इसमें हम मैदा और तबकीर मिलाएंगे। ये हमने चॉप्ड कर दिया है। कैरेट हम कम ही लेंगे क्योंकि उससे स्वीट हो जाते हैं। मैदा हम 100 ग्राम लेंगे और तबकीर हम 50 ग्राम लेंगे। जितना आप मैदा लेते हैं उससे आधा तबकीर लेना है और छान कर लेना है। मैदा और तबकीर अब ग्रेवी में डाल देंगे। जो अपने चॉप किए हैं वेजिटेबल्स उसमें डाल देंगे और अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम जिंजर पाउडर और रेड चिली सॉस टू टेबलस्पून डालेंगे और 1 पिंच रेड कलर फूड कलर डालेंगे और 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। अब अच्छे से मिक्स करके और डो बना लेंगे। ऑयल हम थोड़ा सा कढ़ाई में लेंगे क्योंकि ये जब तलते हैं हम तो ये स्वीट ऑयल हो जाता है। तलने के बाद जो ऑयल बचता है वो स्वीट हो जाता है, इसलिए ऑयल हम थोड़ा सा ही लेंगे और अच्छे से डो बना के और फास्ट तलते जाएंगे और फुल फ्लेम पे रखना है। हाई फ्लेम पे ही रखना है और ऑयल फुल गर्म कर लेना है, उसके बाद ही तलने हैं। थोड़ी देर बाद उसे टर्न करते रहना है, घुमाते रहना है क्योंकि हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अगर टर्न नहीं करेंगे तो एक साइड से ही फ्राई होंगे और दूसरी साइड से नहीं होंगे और अच्छे से नहीं तल पाएंगे, इसलिए टर्न करते रहना है। गोल्डन करने हैं। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, हमने निकाल दिए हैं और पूरे के पूरे ऐसे ही मंचूरियन बना लेने हैं। अब ग्रेवी बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। फुल गर्म होने के बाद उसमें टोमेटो डालेंगे। 200 ग्राम हमने टोमेटो चॉप्ड किए हुए लिए हैं, उसे मिक्स कर देंगे। 5 मिनट तक घुमाएंगे उसे, उसके बाद उसमें चॉप्ड किए हुए जिंजर के पीसेस डालेंगे। चॉप्ड किए हुए जिंजर डालने के बाद 2 मिनट के लिए घुमाएंगे उसे, उसके बाद उसमें गार्लिक और बाकी की हुई वेजिटेबल्स जो हमने चॉप्ड किए हुए हैं वो उसमें सभी एक साथ डाल देंगे। ये हमने गार्लिक डाली है, गार्लिक का टेस्ट इसमें अच्छा आता है। ग्रीन गार्लिक डाली है, ग्रीन चिली डाली है। सॉल्ट हमने 1 टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट मुताबिक डालें। सभी सब्जियां इसमें चॉप्ड करके डालनी है और आपको जितनी पसंद है उतनी डाल सकते हैं। उसके बाद उसमें 150 ml तक पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये फुल फ्लेम पे ही रखना है। अब इसमें हम सोया सॉस, चिली सॉस, रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून डालेंगे और ग्रीन चिली सॉस 1 टेबलस्पून डालेंगे और सोया सॉस भी 1 टेबलस्पून डालेंगे और विनेगर भी 1 टेबलस्पून ही डाल देना है। अगर आपको रेड चिली सॉस, सोया सॉस और
ग्रीन चिली सॉस ज़्यादा डालना है तो आप डाल सकते हैं, मगर इसमें विनेगर 1 टेबल स्पून ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। और हम तपकीर का लिक्विड डालेंगे, हम 1 टेबल स्पून तपकीर लिया है और उसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के लिक्विड बना के उसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स करते जाना है, क्योंकि वह चिपक जाता है नीचे से। और ये तपकीर का लिक्विड हम इसलिए डालते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है और घट बनता है, उसका गाढ़ा बन जाता है, ग्रेवी का थिकनेस आ जाती है। ये मंचूरियन अब हम डाल देंगे, मंचूरियन डालने के बाद उसे मिक्स करते रहना है और ये ग्रेवी थिक बनती जाएगी। अगर आपको वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, और कम लेने हैं वो भी ले सकते हैं, और पीसेस डालने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने पीसेस डाले हैं, आप चॉप्ड करके डाल सकते हैं, और कुछ भी इसमें स्किप करना है तो वो कर सकते हैं। ग्रेवी में आप वेजिटेबल्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर मंचूरियन तो ऐसे ही बनाने हैं। ब्लैक पेपर पाउडर हमने 1 टीस्पून डाला है, सॉल्ट हमने 1 टीस्पून डाला है, और आप अपने टेस्ट मुताबिक डालें। सभी कुछ अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ये हमारे रेडी हो चुके हैं वेजिटेबल मंचूरियन, डिलीशियस एंड स्पाइसी।